हेलो ऑल, वेलकम टू टूटी गई। प्रीवियस वीडियो में चैप्टर नंबर 26 से क्वेश्चन नंबर 14 तक हम सॉल्व किए थे। आज के वीडियो में क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16 को सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। द एरिया ऑफ ए रोम्बस इज 441 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स हाइट इज 17.5 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द रोम्बस। करेक्ट। तो पहले क्वेश्चन नंबर 14 से हम पेरीमीटर से उसका बेस मतलब साइड को निकाले थे। यहाँ पर हमको हाइट गिवन है, उसी में से हमको साइड को फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, उसका वैल्यू हम सब लिख देते हैं। एरिया इज इक्वल टू क्या है, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट। ये सभी को पता है क्योंकि रोम्बस इज ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का फॉर्मूला, एरिया का फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो एरिया ऑफ रोम्बस 441 डिवाइडेड बाय बेस हमको चाहिए, आप बी भी लिख सकते हो, और हाइट हमारा 17.5। करेक्ट। तो डायरेक्टली हम 441 डिवाइडेड बाय 17.5 इज इक्वल टू बेस से लिख सकते हैं। अदरवाइज आप बेस इज इक्वल टू 441 डिवाइडेड बाय 17.5 इसे भी लिख सकते हैं। तो बेस इज इक्वल टू 441 डिवाइडेड बाय इनटू 10 कर देंगे और इसको 175 कर देंगे, क्योंकि पॉइंट हटाने के लिए यहाँ पर हमको डिवाइड करना है 10। तो वही 10 में ऊपर डायरेक्टली लिख दिया हूँ। यहाँ पर जो डिवाइडेड होगा ना 10, वहां मैं ऊपर लिया हूं और डायरेक्टली 175 लिखा हूं। तो इसी को कट करते हैं इस पे 5 पे। ये 5 3 जा 15, अगेन 25 बचेगा, 5 5 देन 5 2। इसको कट करेंगे, इसको कट करेंगे 7 पे। हाँ, ये 7 पे कट करेंगे तो 7 5 जा 35। नेक्स्ट 7 पे 7 6 जा 42 170 जा। तो 63 into 2, इधर 2 बचा है, डिवाइडेड बाय 5 कितना आ जाएगा, 2 3 जा 6 2 6 जा 126 डिवाइडेड बाय 5। 126 डिवाइडेड बाय 5 हमारा कितना आ जाएगा, 5 2 जा 10 2 5, इधर 6 आया तो 25, 6 5 1 पॉइंट लगाया 0, सॉरी 5 2 जा 10, तो 25.2। इसको इरेज कर लेते हैं, 2 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ, देयर फॉर द लेंथ ऑफ ईच साइड इज 25.2 सेंटीमीटर। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। द एरिया ऑफ ए रोम्बस इज इक्वल टू द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल हैविंग बेस 24.8 सेंटीमीटर एंड द करस्पॉन्डिंग हाइट 16.5 सेंटीमीटर। इफ वन ऑफ द डायगोनल ऑफ द रोम्बस इज 22 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल। करेक्ट। यहाँ पर डायरेक्टली एरिया ऑफ रोम्बस गिवन नहीं है, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल है, और ट्राइंगल का बेस हाइट गिवन है, उसी में से हम पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल को फाइंड करेंगे, उसके बाद हम रोम्बस के साथ इक्वल करेंगे। तो कैसे करेंगे, लिख देंगे एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये सारे गिवन है, तो उसी में हम वैल्यू पुट कर लेंगे। बेस 24.8 इंटू 16.5,
हाइट गिवन है, तो हाफ इंटू 248 डिवाइडेड बाई 10, 165 डिवाइडेड बाई 10, क्योंकि हमको पॉइंट हटाना है, इजी होगा हमको सॉल्व करने में, तो जो 212 224। नेक्स्ट इसी को हम किस पे करेंगे, ये 2 पे इसको कट किया, देन 5 पे कट करेंगे तो 52 जा, इसको 5 में 53, देन 53, और इसको 2 में कट करेंगे 26 जा 22, करेक्ट, और इसको 2 में कट करेंगे 25 जा 23 जा 21 जा, तो कितना बचा 31 इंटू 33 डिवाइडेड बाई 5, तो 31 33 313 339 3 9 3 2 10, तो 1023 डिवाइडेड बाई 5, ये जो 31 इंटू 33 हमारा कितना आया 1023, इसको इरेज कर लेते हैं, डिवाइडेड बाई 5, तो 1023 को डिवाइड कर लेते हैं 5 पे, 5 2 10, देन 2 तो नहीं हो रहा है तो 0 डालेंगे, 3 नीचे आ जाएगा, 5 4 20, देन 3 पॉइंट लगाएंगे 0, 5 6 30 हो गया, तो फाइनली हमारा 204.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको इरेज कर लेते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारा किसके साथ इक्वल है, एरिया ऑफ रोम्बस, करेक्ट, और उसी वैल्यू को हम पुट करेंगे अभी एरिया ऑफ रोम्बस पे और उसका डायगोनल को फाइंड करेंगे, करेक्ट, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल का वैल्यू हम पुट करेंगे, कितना हमारा आया 204.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला हम यहाँ पुट करेंगे, हाफ इंटू d1 इंटू d2 जो कि 204.6 है कि नहीं, नेक्स्ट हाफ इंटू d1 पे 22 इंटू d2 जो कि हमको वो वैल्यू चाहिए, तो डायरेक्टली d2 लिख देते हैं, और बाकी जो ये जो 2 डिवाइड है 204.6 इंटू 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये जो 22 है वो मल्टीप्लाई है तो नीचे वो डिवीजन में आ जाएगा, तो अभी हम इसको सॉल्व कर लेंगे, 204.6 इंटू 2 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 22 है कि नहीं, तो इसको और एक बार लिख देते हैं, d2 इज इक्वल टू 204.6 डिवाइडेड बाय 22 इंटू ये जो 2 है यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2046 पॉइंट हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 10 इंटू 22, और ये जो 2 मल्टीप्लाई ऑलरेडी है, ये जो 2 यहाँ पर डिवाइडेड है यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो अभी हम फाइंड करेंगे कैसे, 2 में कट करेंगे 11, और उसके बाद क्या करना है, टू में कट करेंगे 25 जा, इसको 2 में कट करेंगे 1023, तो कितना आ जाएगा 1023 डिवाइडेड बाय 55, क्योंकि ये 5 है और 11 है, तो 1023 55 पे हम डिवाइड कर लेंगे, 55 टू जा 110 हो रहा है तो ये नहीं होगा, 2 पे नहीं जाएगा, तो 55 1 जा 55, तो 12 5 माइनस होगा
सेवन आ जाएगा, नाइन फाइव ये फोर और थ्री नीचे आ जाएगा, तो फिफ्टी फाइव, फाइव एट जा फोर्टी, तो एट करेंगे, लेंगे चेक करेंगे एट पे हो रहा है कि नहीं, फोर फाइव एट जा फोर्टी, ये फोर्टी फोर हो रहा है, फाइव एट जा फोर फोर्टी। तो अभी क्या करना है, थ्री थ्री पॉइंट लगाएंगे, जीरो डालेंगे, फिफ्टी फाइव सिक्स, हाँ फिफ्टी फाइव सिक्स जा सिक्स जा थ्री थर्टी जीरो, तो 18.6 सेंटीमीटर हमारा फाइनल आंसर। अदरवाइज आप ऐसे लिखते, इसको मैं इरेज कर लेती हूँ, आप ऐसे भी लिख सकते हो, दिस अदर डायगोनल, देयरफॉर द अदर डायगोनल इज 18.6 सेंटीमीटर, जो कि हमारा आंसर करेक्ट। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।